हेलो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं मैं सामने आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो आजकल यूट्यूब पे बहुत चर्चित टॉपिक है उस पर वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि डिमांड भी कई सारे बच्चे मेरे पास मेल भी कर चुके हैं, तो आपको जैसे दिखा रहा हूँ। 10th और 12th का रिजल्ट मई के स्टार्टिंग के बीच में आ जाएगा, यानी अप्रैल और मई के बीच में फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। इस शायद इन्हीं कुछ दिनों में आज रिजल्ट आ सकता है। और इस बार आपको थोड़ा जो है ना, अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आपको कई तरह के और प्रोसेस बताऊंगा, जिससे हम अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दिया है तो इसमें साइड एरर आने की संभावना बहुत है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस बार ये PDF क्रिएट मैंने किया है, आपको चाहिए तो मिल जाएगा। और CBSE बोर्ड रिजल्ट 2023 के अंदर इस बार देखेंगे, 10th और 12th के इस बार कम से कम 38 लाख स्टूडेंट्स ने इधर एग्जाम दिए हैं। और आप तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोग एक साथ इधर चेक करेंगे तो एरर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइट क्रैश होने की संभावना इसे कह सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप कई सारे प्रोसेस हैं उसको अपनाएं, डिजी लॉकर पर भी अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 5 वेबसाइट्स हो रहे हैं, आप देख इन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये सारी 5 वेबसाइट्स पे हैं, आप जाइए उन पर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और रेगुलर आपको ऑफिशियली इसे कहते हैं, CBSE बोर्ड पर रिजल्ट ऑफिशियली यदि आप चेक करते हो तो ये प्रोसेस ये रहा, क्योंकि जब आप चेक करोगे तो आपको कभी मिलेगी साइट मिलेगी भी नहीं सर्च करने को। तो आप इस साइड को नोट डाउन कर सकते हैं, ऑफिशियली 10th और 12th का रिजल्ट इस तरह चेक करा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल।